हेलो डियर स्टूडेंट, आज 19 नवंबर 2022 है और आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, जो आप लोगों को पता है टर्म वन टर्म टू का एग्ज़ाम अब कैंसिल हो चुका है, आप लोगों का डायरेक्ट एग्ज़ाम जो है वो मार्च 2023 में होगा। ऐसे में आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। साथ ही साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो आप लोगों का मार्च 2023 में होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्या कहा है, एग्जाम कब होगा, मॉडल पेपर कब रिलीज होगा, एग्जाम का रूटीन कब आएगा, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से पढ़ना है, और साथ ही साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आप लोगों को एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर सकते हो, रिविजन्स कर सकते हो और डेफिनेटली एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके सवालों का सारे सवालों का जवाब दूंगा, जिससे आपके मन में चल रहे सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन्स एकदम क्लियर हो जाए और आप अपना सारा फोकस एग्जाम्स के लिए कर सके, आपको पता चल सके कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको बेस्ट चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल छूट जाता है जिसे मैं ना बोल पाऊं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपके सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। और रिक्वेस्ट है खासकर क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट से, 12th के स्टूडेंट से खासकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि आप लोगों का एग्जाम में किस तरीके से पैटर्न होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, गेस्ट पेपर कौन सा लेना है, मॉडल पेपर कौन सा होगा, सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में बताऊँगा। तो प्लीज़ 12th क्लास के स्टूडेंट अच्छे से वीडियो को जरूर देखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्या कहा। देखो, अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया है और यहां साफ साफ एक बात कहा गया है कि ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिकाओं दोनों पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। परीक्षाओं की तैयारी के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल दे रहे हैं छात्रों को टिप्स। अब एकदम अच्छा से समझ लो, क्लास 10th और क्लास 12th का जो भी एग्जाम है वो एग्जाम अब क्या होगा आप लोगों का, एमसीक्यू में भी होगा और वो एग्जाम आपका उत्तर पुस्तिका यानी रिटेन में भी होगा। अब ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं बात करता हूँ हर सब्जेक्ट में क्या होगा, ध्यान से समझना, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर का आप लोगों का एमसीक्यू होगा। 40 नंबर का क्या होगा, एमसीक्यू होगा, ठीक है, जो ओएमआर सीट पे होगा एग्जाम। किस पे होगा जी, आपका ओएमआर सीट पे। और 40 नंबर का आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका रिटेन में होगा। 40 नंबर का एग्जाम आपका क्या में होगा, रिटेन में। ध्यान से समझना, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर का एग्जाम ओएमआर सीट पे एमसीक्यू में होगा और 40 नंबर का एग्जाम जो है आपका वो रिटेन में होगा। अब ये जो 40 नंबर का एग्जाम जो रिटेन वाला होगा, इस रिटेन में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 40 और 40 80 नंबर हो गया और बाकी ये जो 20 नंबर है, ये 20 आप नंबर आपको आपके कॉलेज या आपके स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा। आप इसको प्रैक्टिकल बोल लो, आप इसको इंटरनल असेसमेंट भी बोल सकते हो। 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा, तो 40 प्लस 40 80 और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी हर सब्जेक्ट्स में 40 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर आपको कॉलेज या स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट के द्वारा या प्रैक्टिकल के द्वारा मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल स्टूडेंट के मन में ये आता है कि जो 40 नंबर का एमसीक्यू होगा वो एमसीक्यू आखिरकार किस तरीके से पूछेगा, क्योंकि पहले क्या था, टर्म वन टर्म टू था, तो आप लोगों को ये लगता होगा कि टर्म वन का एग्जाम एमसीक्यू में होता, टर्म टू का जो होता वो थ्योरिकल में होता, बिल्कुल। लेकिन अब टर्म वन टर्म टू भूल जाओ, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हर सब्जेक्ट्स में आपको सारा का सारा चैप्टर पढ़ना है। आपका जितना भी सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है या एडिशनल पेपर है, 6 सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, आपको उसके सारे सब्जेक्ट्स के पूरा 100% सिलेबस आपको पढ़ना है, कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। अब जब हर सब्जेक्ट्स का आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे उस चैप्टर का आप एमसीक्यू भी पढ़ना,
उस चैप्टर का आप वन वर्ड क्वेश्चन भी पढ़ना, उस चैप्टर का शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पढ़ना, क्योंकि हर चैप्टर से एमसीक्यू भी पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किसी भी चैप्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको हर सब्जेक्ट्स का 100% सिलेबस पढ़ना है और चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यूज भी पढ़ना है, आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पढ़ना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पढ़ना है, चाहे आपका कोई थ्योरी पेपर हो, चाहे आपका वो कोई प्रैक्टिकल पेपर हो। जैसे अगर कॉमर्स का बात करें तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ये आपका न्यूमेरिकल्स पेपर भी है, थ्योरी पेपर भी है। बिजनेस स्टडी जो है, जो आपका बिजनेस स्टडी पूरा का पूरा थ्योरी है, इकोनॉमिक्स थ्योरी है, इंग्लिश थ्योरी है। तो हर चैप्टर में आप थ्योरी भी पढ़ो और उसका एमसीक्यूज भी पढ़ो, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज भी पूछा जाने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स को, इसलिए इसको पहले बता दिए। अब आओ, अब बात करते हैं कि झारखंड एकेडमी काउंसिल ने क्या कहा है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। देखो, इस पैराग्राफ में कहा गया है, झारखंड एकेडमी काउंसिल यानी जेक द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षा तिथि जनवरी 2023 तक जारी की जाने के संकेत दिए गए हैं। यानी क्लास 10th और क्लास 12th का जो भी एग्जाम होगा उसका जो रूटीन है, रूटीन आपका जनवरी 2023 में आपको जो है रूटीन मिल जाएगा। यानी मार्च में एग्जाम होगा, कंफर्म है मार्च 2023 में एग्जाम होगा, और उसका जो रूटीन है वो आप लोगों को जनवरी 2023 में यानी एग्जाम से 2 महीना पहले मिल जाएगा। आगे बोला, टाइम टेबल 2023 की विस्तृत जानकारी झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो एग्जाम रूटीन है वो ऑनलाइन आपको झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। बोला, जिसके बाद 10वीं की परीक्षा मार्च 2023 में संभावित रूप से की जाएगी। 10th और 12th दोनों का एग्जाम एक साथ जो है वो आप लोगों का मार्च 2023 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में ये बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग के लिए पढ़ना है वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या बोला, इस पैराग्राफ को देखो। जेक ने 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं ओएमआर सीट तथा उत्तर पुस्तिकाओं दोनों के लिए दोनों पर लिए जाने का निर्णय लिया है। हम आपको बता दिए, एमसीक्यू में भी होगा, ओएमआर में भी होगा 40 नंबर का, और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। देखो अब इस पैराग्राफ में देखना क्या बोला, ओएमआर सीट पर ली जाएगी। जेक 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा ओएमआर सीट तथा और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ही 40-40 अंक होंगे तथा 20 अंक अंतरीय मूल्यांकन के होंगे। आपको बताएं, 40 नंबर का जो है आपका वो एमसीक्यू में होगा, और 40 नंबर का जो होगा आपका थ्योरी होगा, रिटेन होगा, और 20 नंबर का कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगा। अब बोला, छात्रों से परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू तथा लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो रिटेन एग्जाम होगा 40 नंबर का, 40 नंबर का एमसीक्यू होगा, 40 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? इसी चीज के बारे में जानकारी मिला है। अब एक पहले टिप्स क्या दिया है झारखंड एकेडमी काउंसिल ने, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों का मॉडल पेपर जो है वो कब तक आएगा। तो झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा मॉडल पेपर जो है, मेरा मानना है कि दिसंबर 15 तारीख के आसपास आप लोगों का मॉडल पेपर आ जाएगा। तो मॉडल पेपर आते ही उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा और मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सारे मॉडल पेपर जरूर करवा दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरकार कौन सा गेस्ट पेपर लेना बेस्ट है। तो मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट, स्पेशली मैं सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट को प्रेफर कर रहा हूं, जिसको मैं पसंद करता हूं कि आप लोग जो है कुछ दिन के बाद एग्जाम स्कोरर SBPD पब्लिकेशन का एग्जाम स्कोरर गेस्ट पेपर आएगा। उस एग्जाम स्कोरर गेस्ट पेपर को जरूर परचेज करना, क्योंकि एग्जाम स्कोरर गेस्ट पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल गेस्ट पेपर फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ झारखंड एकेडमी काउंसिल। बहुत अच्छा गेस्ट पेपर होता है। एग्जाम में जो पैटर्न होगा आप लोगों का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, उसका एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप सभी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, प्लस रिविजन्स करने के लिए, तैयारी करने के लिए 3-4 मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो वहां से जो है आप एग्जाम स्कोरर बुक को जरूर परचेज कीजिएगा। मैं प्रेफर करता हूं कुछ दिन बाद एग्जाम स्कोरर बुक आ जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर का भी पता चल गया, एग्जाम स्कोरर बुक का भी पता चल गया, सिलेबस का भी पता चल गया, एग्जाम डेट का भी पता चल गया, एग्जाम पैटर्न का भी पता चल गया। अब बात करते हैं टिप्स का।
क्योंकि अभी आप लोगों को ये लगता होगा कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन अगर आप ऐसे ही ये सोचेंगे कि पढ़ाई कल से करेंगे, आज नहीं, मंडे से करेंगे, आज नहीं, 1 तारीख से करेंगे, तो देखते देखते एग्ज़ाम्स का डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जिससे आप लोगों एग्ज़ाम में ठीक तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक से लिख नहीं पाओगे, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में रिजल्ट बहुत कम आएगा। तो इसलिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल स्पेशली आप लोगों के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप लोगों को कुछ टिप्स दिया है, साथ ही साथ मैं भी आप लोगों को अभी कुछ टिप्स दूंगा, इनको आप फॉलो करो और डेफिनेटली एग्जाम में आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। तो चलो आप बात करते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्या क्या टिप्स दिया है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है 10वीं व 12वीं की तैयारी के लिए जेक के ये है टिप्स। जेक ने क्या कहा, ये देखो सबसे पहला टिप्स क्या बोला गया है, स्टडी शेड्यूल बनाइए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहते हैं कि एग्ज़ाम में अभी आप लोगों को भले ही 2023 मार्च में एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप लोग अभी से एक अपना शेड्यूल बनाइए, एक रूटीन बनाइए, और उस रूटीन में आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को रेगुलर पढ़िए। ठीक है, जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है तो अकाउंटेंसी हो गया, BMT हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका जो भी सब्जेक्ट्स है पर डे सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ा कीजिए। जिस सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं उस सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ताकि एग्जाम से पहले आपका तैयारी अच्छा से हो जाए, रिविजन्स का भी टाइम मिल सके आपको। तो इसलिए स्टडी शेड्यूल बनाइए, रूटीन बना करके पढ़िए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप सबको है। दूसरा है शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स। जब आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखिएगा। जैसे सपोज कर लो कि आप मान लो बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी में आपने पहला चैप्टर पढ़ा मैनेजमेंट प्रबंध, तो उस मैनेजमेंट से रिलेटेड आप शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। जैसे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, उसका विशेषता क्या है, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बना के रखो, क्योंकि एग्जाम से पहले यही नोट्स आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, तो शेड्यूल बनाइए, रूटीन बनाइए, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट्स क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आगे बोला गया परीक्षा से पहले पूरा कर ले पाठ्यक्रम। एग्जाम से मैं सजेस्ट करूंगा, एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आप अपना सारे जो सब्जेक्ट्स है उसका प्रॉपर सिलेबस को कंप्लीट कर देना, हर सब्जेक्ट्स का आप प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर देना, ताकि एग्जाम से पहले आप फ्री हो सके और रिविजन करने का और टेस्ट देने का टाइम आप लोगों को मिल सके। इसलिए एग्जाम से पहले सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है अपना। ठीक है, चलो आगे क्या बोला, आगे बोला क्वेश्चन में नियमित रूप से करें रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम का अपना स्टडी का शेड्यूल और रूटीन तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिन फॉलो करते हैं, 2 से 4 दिन अच्छा से पढ़ेंगे, फिर पढ़ना जो है वो छोड़ देंगे, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी कम पढ़ेंगे कभी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना, आप लोग प्रॉपर तरीके से रूटीन बनाओ, रूटीन को फॉलो करो और रेगुलर कंसिस्टेंसी से पढ़िएगा, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना, कंसिस्टेंसी से रिविजन्स करना और कंसिस्टेंसी से जो है वो टेस्ट देते जाना, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि अब मोटा मोटी 3 से 4 महीना ही आप लोगों के पास समय है। समय हालांकि बहुत है आपके पास, लेकिन आपको उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने आना चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप रिविजन जब करोगे तो प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे रिविजन करते जाना। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें। प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि पिछले साल का एग्जाम में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे अब बात कर रहे हैं हम क्लास 12th का, तो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ये भी ऐसे हुआ था, 40 नंबर का MCQ और 40 नंबर का आपका थ्योरी हुआ था। तो पिछले साल के एग्जाम में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो पूछा है उसको 100% रिविजन करके जाना, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, जो आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा, उन मॉडल पेपर्स को भी जरूर आप सॉल्व करना। यानी आपको करना क्या है, तो सिंपल बात है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स का जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर को सॉल्व करना, जिससे आपको एग्जाम में तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई हो, आपके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब आपको मैंने दे दिया। फिर भी
अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, बेझिझक आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, और उसके बाद जितना हेल्प हो सके मैं आप लोगों को उतना हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करना, कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, टेक केयर।